नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी फाउंडेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जिसके साथ जुड़कर आप अपनी सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं और अपने अराउंड जो भी हेल्पफुल नीडफुल पर्सन हैं उनको आप सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए टाइम ना गवाते हुए हम सीधे फाउंडेशन के बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम नाम की बात करें तो HLWU फाउंडेशन है दोस्तों, जिसकी वेबसाइट है www.hlwfoundation.online। तो दोस्तों, आप इस पे विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात कर लें फुल नेम की, तो हैप्पी लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन का फुल नेम है। दोस्तों, इसके बाद बात करें लीगल डॉक्यूमेंट की, तो दोस्तों आप देख सकते हैं पैन कार्ड ऑलरेडी है फाउंडेशन के पास, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो फाउंडेशन के पास है, जहाँ पे प्रतिज्ञा प्रमाण पत्र फाउंडेशन के पास है। दोस्तों, ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फाउंडेशन ने लेके रखे हुए हैं। दोस्तों, उसके बाद बात कर लें जहाँ पे अबाउट अस की, तो दोस्तों ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि डोनेशन करने के लिए आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप घर बैठ के ऑनलाइन तरीके से जहां पे आप चैरिटी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम फाउंडेशन के मिशन की बात करें, तो फाउंडेशन का मिशन है फ्री पुअर चाइल्ड एजुकेशन, यानी कि गरीबों को जो है वो एजुकेशन देना। दोस्तों, उसके बाद फूड फॉर एवरी हंगर। दोस्तों, उसके बाद हमारा मिशन है फाउंडेशन का रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना, क्योंकि आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में जो अनएम्प्लॉयमेंट का दर है वो कितना ऊंचा हो गया था, तो हमारा मिशन है कि उसको खत्म करना। दोस्तों, उसके बाद बात करें एथिक्स की, तो दोस्तों किसी भी फाउंडेशन में अगर आप वर्क करते हो तो आपको वर्क करने के लिए कुछ एथिक्स होना चाहिए, क्योंकि फाउंडेशन जो होती है वो गरीबों की या अपनी सोसाइटी की हेल्प करना, तो इसके लिए आपको सच्चाई, प्यार, जुनून, नेकदिली और ईमानदारी पे वर्क करना होगा। तो दोस्तों, हमारी फाउंडेशन ऑलरेडी इन चीजों पे वर्क करती है। दोस्तों, उसके बाद जो सीनियर सिटीजन है तो उनको हेल्प करती है। दोस्तों, उसके बाद बात करें जहाँ पे डोनेशन की, तो दोस्तों आप 1000 डोनेट करके, 1000 की डोनेशन करके यहाँ पे आप वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप 1000 की डोनेशन करोगे, दोस्तों उसके बाद जहाँ पे बताया हुआ कि आपका 1000 जो है वो डोनेशन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसकी, तो दोस्तों जहाँ पे बताया हुआ है कि 500 जो है वो नॉन वर्किंग फंड में चला जाता है, 200 जो है वो रेफरल एंड सुपर रेफरल में चला जाता है, 300 जो है वो लेवल इनकम में चला जाता है। दोस्तों, उसके बाद हम बात करें टाइप्स ऑफ इनकम की, तो नॉन वर्किंग इनकम, डायरेक्ट रेफरल इनकम, सुपर रेफरल इनकम, लेवल इनकम, रॉयल्टी इनकम, ऑटो पूल इनकम, रैंक रिवार्ड इनकम, टारगेट विनर इनकम, फ्रेंचाइजी इनकम, बोरांजा ऑफर एंड गिफ्ट इनकम। तो दोस्तों, इस तरह से आपको बहुत सारी इनकम जहां पे फाउंडेशन में देखने को मिलेंगी। दोस्तों, सबसे पहली इनकम नॉन वर्किंग इनकम की हम बात करें, तो दोस्तों डेली आपको 20 रुपीज मिलेंगे, जो कि 100 दिन तक लगातार मिलेंगे, यानी कि आप 1000 की डोनेशन करोगे और उसके बदले में आपको 2000 रुपया जहां पे मिल जाएगा। दोस्तों, उसके बाद बात कर लें रेफरल इनकम की, तो दोस्तों अगर आपके कहने पे या फिर जैसे कि आपने डोनेशन की, अगर आपको कोई फ्रेंड या फिर रिलेटिव जहाँ पे डोनेशन करता है आपके कहने पे, तो उसका आपको 100 रुपीज़ आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर के रूप में मिल जाता है। दोस्तों, इसी तरह से सुपर रेफरल इनकम है, जिस बंदे ने आपके कहने पे डोनेशन की, तो अगर उसका कोई रिलेटिव या उसका कोई फ्रेंड जहाँ पे डोनेशन करता है तो 100 रुपीज़ उसको मिलता है और 100 रुपीज़ आपको फिर से मिल जाता है। तो दोस्तों, रेफरल एंड सुपर रेफरल इनकम जो है वो 100-100 रुपीज़ आपकी रहती है। दोस्तों, उसके बाद बात कर लें फोर्थ लेवल इनकम की, तो दोस्तों लेवल इनकम जो है वो आपको 30 लेवल तक लगातार 10-10 रुपीज़ मिलेंगे, जिसकी आपकी टोटल अमाउंट हो जाती है 2146 करोड़। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अगर आप दो की टीम भी जहाँ पे बनाते हैं तो आप जहाँ पे कितनी बड़ी इनकम कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद बात करें रॉयल्टी इनकम की, तो दोस्तों रॉयल्टी इनकम में जैसे ही आपके कहने पे 5 बंदे जो हैं वो जहाँ में फाउंडेशन पे डोनेशन कर देते हैं, तो उसके बाद जो भी बंदा रॉयल्टी में जाता है तो पर बंदे से आपको 50 रुपीज़ मिलते हैं, जो कि 2 की रेशो से ही चलते हैं। जैसे ही आपने 2 बंदों को ज्वाइन कराया तो पर बंदे से 50 मिला, आपके हो गए 100 रुपीज़। दोस्तों, इसी तरह से ये आपका जो है 20 लेवल तक इनकम जाती है, तो जहाँ से भी आप बहुत बड़ी इनकम अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद बात कर लें ऑटो पूल इनकम की, तो दोस्तों ऑटो पूल इनकम में जैसे कि रॉयल्टी इनकम में आपको 5 बंदों की डोनेशन कराना है, तो जहाँ पे अगर आप चाहें तो 999 से अपग्रेड कर सकते हैं
और 10 करोड़ इनकम क्लब में आप चले जाते हैं। तो दोस्तों जहां से भी आप बहुत बड़ी इनकम जो है वो कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद बात कर लें ऑटो पूल चार्ट की, तो जहां पे इन्होंने बताया हुआ है कि ये सेम एज रॉयल्टी पूल की तरह रहता है। तो जहां पे आप देख सकते हैं कि पर मेंबर से आपको 50 रुपीज़ मिलेंगे और ये भी 20 लेवल तक जहां पे जाता है और जहां से भी आप बहुत बड़ी इनकम कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद बात कर लेते हैं रैंक रिवार्ड इनकम की। तो दोस्तों रैंक रिवार्ड में आपको 1 करोड़ तक का जो है रैंक रिवार्ड मिलते हैं। तो दोस्तों जहां पे चार्ट में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको बताया है कि किस तरह से आपको जहां पे जो इनकम मिलती है रिवार्ड मिलते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आपकी डोन में 2 रॉयल्टी कंप्लीट हो जाती हैं 2 वीक्स के अंदर, तो आप को 1000 रिवार्ड मिल जाता है। दोस्तों इसी तरह से 2 बिगनर हो जाते हैं तो आपको 2000 का रिवार्ड हो जाता है। दोस्तों ये पूरा चार्ट बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। दोस्तों इसके बाद बात कर लें टारगेट विनर की, तो इसमें आपको पर वीक या पर मंथ आपको टारगेट मिलेंगी। अगर आप वो टारगेट अचीव कर लेते हैं तो आपको 1st 2nd प्राइज के रूप में आपको जहाँ पर इनकम मिलती है। दोस्तों इसके बाद बात कर लें फ्रेंचाइजी इनकम की। अगर आप 10K की फ्रेंचाइजी लेते हो तो आपको पर पिन 10 रुपीज़ मिलेंगे। अगर आप 25,000 की जहाँ पे फ्रेंचाइजी लेते हो तो आपको पर पिन 25 रुपीज़ मिलेंगे। अगर आप 50,000 की फ्रेंचाइजी लेते हो तो आपको पर पिन 50 रुपीज़ मिलेंगे। दोस्तों उसके बाद बात कर लें स्पेशल इनकम की। तो दोस्तों जहाँ पे आपको अलग अलग इवेंट्स पे या फिर फेस्टिवल पे तो आपको प्राइज़ मिलेगा, या फिर जहाँ पर सेमिनार होगा आपको अलग अलग गिफ्ट कंपनी के थ्रू मिलेंगे। दोस्तों या फिर आपके एड्रेस पे कंपनी जो है वो वाउचर सेंड कर देती है। दोस्तों उसके बाद बात कर लें विड्रॉल की। तो 2 डायरेक्ट करना कंपलसरी है विड्रॉल लेने के लिए। IMPS डेली रहेगा, मिनिमम विड्रॉल 500 रहेगा, 10% एडमिन, 10% फाउंडेशन में जाएगा और 0% पिन क्रिएशन रहेगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको पूरी फाउंडेशन के बारे में डिटेल में समझ आ चुकी होगी, लेकिन अभी भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो जिस भी बंदे ने आपको ये वीडियो सेंड करी है या फिर रिकमेंड करी है, आप उनसे बात करके इस फाउंडेशन का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।